गोविंदा नहीं दिख रहा है, कहाँ है गोविंदा? जी दिस इज द अवार्ड फॉर द बेस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ 2022. आई थिंक इज द बेस्ट एक्टर फॉर द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर. जी मैं तो बहुत मिस कर रहा हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड मुझे बहुत याद आती है सबकी, चाहे वो हमारा क्रू हो, चाहे वो हमारे डायरेक्टर हो, हमारे एक्टर्स हो, मेरे जितने भी को एक्टर्स थे, चाहे वो कोई भी हो, मतलब स्पॉट दादा की भी बहुत याद आती है, उन्होंने बहुत मेरा ख्याल रखा है, एंड आई रियली मिस इट. बट या बट दे आर इन टच एंड ज़्यादा मिस नहीं करने दूँगा. अब मेरे को बताओ कौन से कैमरा में देखना है? जी मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत मिस करता हूँ सबको एंड तेजू को भी बहुत ज़्यादा. इनफैक्ट कुछ ही दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी, अनइंटेंशनली बट हुई थी, एंड आई टोल्ड हर दैट ऑल्सो, एंड आई टोल्ड माई डायरेक्टर ऑल्सो द सेम डे दैट आई मिस शूटिंग विद यू गाइस. इसके लिए मैं आपको मना कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं. बेका भी टू को देख के क्या कुछ करेंगे? मना कर दिया, मतलब आपको मना कर दिया. मुझे हाँ, मतलब कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं. कुछ एनीथिंग कभी कोई गाने? हाँ कुछ चीज़ें आ रही हैं, डेफिनेटली कुछ चीज़ें आ रही हैं, एंड बातें भी चल रही हैं और भी प्रोजेक्ट्स के लिए. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आजो भाई, कहाँ गए हैं वो? डेफिनेटली यार, आई थिंक आई रियली वांट टू थैंक द एंटायर ज्यूरी, द एंटायर टीम ऑफ NFA नेशनल फेम अवार्ड्स. एंड देखिए सिंपल है कि अगर एक्टर को लोग अप्रिशिएट करते हैं, उसके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, उसके स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं, सो इट फील्स गुड, इट फील्स वेरी नाइस. बट मैं सच बताऊँ, फॉर मी फैशन इज एंड स्टाइल इज कम्फर्ट. मतलब मैं आई थिंक रिप्सी नोज बेस्ट, क्योंकि रात में मुझे देखती है कि मैं बहुत कम्फर्टेबल रहता हूँ. यू नो फॉर मी इट्स जस्ट यू नो हैविंग अ लिटिल क्लास ऑल्सो विद दैट, यू नो लिटिल पनाश, थोड़ा सा डैश ऑफ एवरी थिंग, थोड़ा मिक्स करके स्टाइल बन जाता है. बट वो ओवर नहीं होना चाहिए, वो अंडर नहीं होना चाहिए.
हम सब कोशिश करते हैं कि वो अपने तरफ से हमारा वो स्टाइल हो। जैसे अभी इन्होंने ग्रीन टी शर्ट पहनी है, ये स्टाइल है डेनिम्स के साथ, तो सबका एक अपना अपना स्टाइल होता है। सो आई वॉन्ट कीप इट वेरी सिंपल, वेरी क्लासी, और कोशिश करता हूँ। देखिए मैक्सिमम जो है मुझे स्टाइल यहीं से मिलता है, बिकॉज हाँ हम काले हैं तो क्या दिल वाले हैं। नहीं, आई थिंक हमने आज सोचा था कि हम ब्लैक पहनेंगे दोनों, क्योंकि हार्डली रिप्सी बाहर आती है, और आज जब मौका मिला तो मैंने कहा क्यों नहीं, यू नो आज मैं बाहर लेकर आऊँ आप सबके साथ, और यू नो इसका इसका हिस्सा बने। बट यस, आई थिंक रिप्सी से मुझे मैक्सिमम स्टाइल के टिप्स मिलते हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज शी इज़ अ वेरी वेल नोन फैशन डिज़ाइनर, और इसका अपना एक स्टाइल का क्वेश्चन है, अपना एक एक फैशन को लेके इसके अपने एक सोच है, जो कई बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं, लेकिन फॉर मी इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग, जैसे आप लोग जानते हैं। बट अब मैं थोड़ा ध्यान देने लगा हूँ, यू नो आई बीन ट्राइंग टू काइंड ऑफ मे बी गिव लिटिल मोर अटेंशन टू माय स्टाइलिंग एंड माय व्हाट आई एम वेयरिंग टू द इवेंट्स एंड ऑल, जो पहले नहीं था। सो गुड टू सी यू, मैं बोल रहा हूँ गुड टू सी यू यार, आपको हार्डली देख पाते हैं, ऐसा लगता है गणपति में ही दर्शन हो गया। एंड व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट सर्स फैशन, इनको किस तरह से आप फैशन टेक देते हो, बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स वेरी गुड इन अवार्ड्स। ही कैन कैरी ऑफ एनीथिंग, आई थिंक ही कैन कैरी ऑफ एनीथिंग। या माइक सही है, या I said he can carry off anything, and I just keep telling him, and we both actually believe in it, that whatever you wear, it shouldn't look like you're trying too hard. It should look like you just stepped out of bed. Looking that glam, huh? मैं normally bed में ऐसे जाता हूँ, ऐसे ही बाहर निकलता हूँ। Real में भी नागी हो, विद्रोही हो, अलग अलग look में काफी अच्छे लगे। Sir, आपसे जानना चाहूँगा, drop the last song आया था, काफी popular हुआ। जी, हाँ, उसमें भी style था मेरा, उसमें एक style था। Yes, बालों का style। जी, काफी time हो गया, next song कब आने वाला है, लोग काफी wait। नहीं, I think next obviously मैं कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, और आई एम श्योर बहुत लोग जानना चाहते हैं व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, और एक अच्छा लंबा एक ब्रेक हो चुका है, मेरे लिए बहुत लंबा हो चुका है। बट यस, आई एम वर्किंग ऑन फ्यू थिंग्स, अभी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बिकॉज जब तक वो चीज़ें फाइनलाइज नहीं हो जाएँ और हम ऑन फ्लोर नहीं पहुँच जाएँ, एज यू एज एवरीबडी नोज, आई डोंट डिस्कस। बट यस, यू गाइस आर राइट, आई एम वर्किंग ऑन समथिंग राइट। आई लव रियलिटी शोज, लेकिन वो है कि मुझे करने में डर लगता है। कौन सा आ रहा है? हाँ, आई थिंक बहुत सारे शोज हैं। शी लाइक्स टू वॉच, विच वन डू यू लाइक टू वॉच सम शो? नो, देख कभी कभार हम लोग सब देखते हैं, ये मसाला है इन सब शो में, मसाला है, टैलेंट है, थ्रिल है। सो आई थिंक एवरी रियलिटी शो हैज इट्स ओन एक्स फैक्टर, और कभी कभार हम लोग देख लेते हैं। बट येस, आई थिंक आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ सम शो, आई डोंट विच शो, बट मौका मिला और कभी मूड किया, डेफिनेटली क्यों नहीं। गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। विजुअल्स विद द अवार्ड और विदाउट द अवार्ड? अवार्ड चेंज करने का भी टाइम नहीं मिला, सीधा सीधा मैं सोच रही थी घर जाऊंगी, नहीं पहन, उससे मैं गई थी नवी मुंबई एक और अवार्ड्स के लिए, अभी ये पता चल गया। मैं विदाउट विजुअल, भूख लगी है, खाना दो श्रद्धा, खाना दो। मैं किधर से दूं? मैं कर खाना दो, आप लोग छोड़ोगे तो मैं खा सकती हूँ। हाय मैम, आज काफी अवार्ड में अवार्ड मिलने जा रहे हैं आपको, 3 अवार्ड हो चुके आज के दिन। आज के ही दिन 3 अवार्ड, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और ऐसे अवार्ड्स में आते हैं तो कभी कभी यू नो यू वैल्यू योर सेल्फ मॉ, क्योंकि लोग कितने आपको, कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, लोगों के लिए आप क्या मायने रखते हो उसका एक एहसास होता है जब ये अवार्ड आपके हाथ में होता है। सो आई एम वेरी हैप्पी, शायद जर्मनी घूम के आने का आने के बाद का असर है। सो आफ्टरनून से निकली हुई हूँ, लंच करके निकली थी, और उसके बाद एक जगह से एक जगह, एक जगह से एक जगह, ऐसे ही चल रहा है। ओके, नो नो, कुछ क्या कहना चाहोगे? हर जगह एक ही सवाल आपसे पूछा जा रहा है,
अब तो एमसी स्टैंड थक भी जाता हूँ, एक ही जवाब देंगे। थक तो जाते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं बहुत ज़्यादा बेहद प्यार करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से हम हैं, हम सारे एक्टर्स मीडिया की वजह से है, क्योंकि मीडिया ऐसा माध्यम है जिससे हमारी ज़िंदगी, हमारी बातें ऑडियंस तक पहुंचती है। इसीलिए थक जाती हूँ, पर फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को बार बार मैं जवाब दूँ। और अब्दू और एमसी दोनों अच्छे इंसान हैं, दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं। बट मैंने कल अब्दू को यही मैसेज करके बोला है कि व्हाटएवर इट इज़ यू आर माई फेवरेट, योर हार्ट इज़ वेरी प्योर, तेरा दिल बहुत बहुत प्योर है एंड वी ऑल लव यू अब्दू। दूसरी बात, बच्चे हैं, लड़ रहे हैं, अब क्या करें, दोनों ही बच्चे हैं ना, लड़ रहे हैं। कितने एमसी 23 साल का है, अब्दू भी 19 या 20 साल का है, 23 साल बहुत होता है। ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोगों को ये खबर कहाँ से आती है, बट हाँ, अगर मुझे ऑफर दिया जाएगा तो मैं डेफिनेटली वापस से सोचूंगी, क्योंकि फ़न शो था। जब तक मैंने बिग बॉस नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि कितना मज़ा आता है बिग बॉस के घर के अंदर, फ़न शो था, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगी। पर हाँ, मुझे भी ज़रा सोर्स बता दो, कहाँ से आ रही है ये खबरें आपके पास, बता नहीं सकते। थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू। Fantastic platform where everyone's getting awarded for their achievements, and Amol and Ankita are doing a fantastic job. What is the one thing that you always look? गाना चालू हो गया मेरा, बुला रहे अंदर। आपके हंटर के लिए एक ढेर सारी शुभकामना, आपको काफी अच्छा रेट जा रहा है। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों की तरफ से, काफी आपके एक्शन को लेके काफी चर्चा हो रही है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों को अच्छा लग रहा है हंटर, और मेरा काम भी लोगों को पसंद आ रहा है, स्पेशली जो एक्शन किया है मैंने दिल से किया है तो दिखता है और लोगों को पसंद भी आ रहा है। Being a journalist, what is the one thing that you really like about the role, a journalist? I think this girl that I played, Divya, is a very bold journalist. So I think it's sort of a message to all the journalist women out there that yes, you got to go get what you want. Thank you so much, ma'am. Thank you. What would you like to say? Genius आ गए, क्या कुछ कहना चाहोगे सर आपको भी? एंड ईशा मैम, आई जस्ट वांट टू से कमिंग बैक टू मुंबई एवरी टाइम इज यू नो इट्स लाइक आई डोंट नो लैक ऑफ वर्ड्स इट्स अ डिलाइट टू बी हियर एवरी टाइम हियर सेरेमनी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो गेटिंग द अवार्ड्स done. The people who have come from far off, they're really looking forward to get pictures clicked with Isha, get their awards. It's going to be an evening for them. So
so they're the real heroes today. So we're here to celebrate them actually, and Isha is going to be giving you with the honors. So I think it's a privilege that we have her as a chief guest. She's a lovely person. We've had her in a previous event also, and she's a delight to be around with. How sweet. Thank you so much. My best wishes to Amol and Ankita. I think you all are doing a fantastic job by encouraging so many people, you know, by giving them an award. You all are just giving them more incentive to work harder and do better. That's it. Great. Thank you. Thank you. अच्छी है भाई, और कैसे होगी, कौन आ गया बोलेगा मुझे बुरी फीलिंग हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि आप कम हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी दैट दे हैव डिसाइडेड टू ऑनर मी इन रिगार्ड माय फिल्म, सो इट्स वेरी नाइस। हाउ इज माय राज ऑफ हैंडसमनेस? ओह माय गॉड, माय राज ऑफ हैंडसमनेस, my raz of handsomeness is just trying to eat right, which I very badly do, and trying to work out, which I do. So those are the two things I think, and I think just being happy, I think that's the most important thing. Agar aap yahan khush hain, yahan khush hain, to wo cheez reflect karti hai, aur wahi sabse zyada zaruri cheez hai. Ye jo award functions ka trend hai, kahin na kahin ek appreciation ka zariya hai. बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल अप्रिसिएशन इज मस्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर बडिंग फिल्म मेकर्स, बडिंग एक्टर्स। हम जो क्रिएटिव फील्ड में आ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी ख्वाहिश है कि लोग हमारे काम को देखें, सराहें और उसकी तारीफ करें। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट दे डूइंग दिस। अपने आसपास के किसी इंसान को तो मैं नमिता तस्वीर को देना चाहूँगा जो वहाँ पर खड़े हैं, मैं उनको देना चाहूँगा दैट दे ऑलवेज डू फैंटास्टिक इवेंट्स फॉर पीआर। आई वुड लव टू गिव देम एन अवार्ड। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस। थैंक यू। आई हैव पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स की शाम है आज, क्या कुछ कहना चाहोगे? बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू। क्या कहें, अब कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है तो मज़ा आता है, इंडस्ट्री के और लोगों से मिलना होता है, और एक दूसरे से जो बातें अक्सर नहीं होती है वो यहाँ पर होती हैं। मुझे खुशी है इस बात का कि मुझे फिटनेस आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा है, क्योंकि मैं पिछले कुछ 10-12 साल से वाकई फिटनेस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। उम्र भी बढ़ रही है तो मैं नहीं चाहता कि वो उम्र शक्ल पर दिखे, तो आई ट्राई एंड बी एज फिट एज पॉसिबल। और आपने पिछले साल देखा होगा मुंबई सागा में मैंने एक अच्छी सी बॉडी बना ली थी, तो आई एम हैप्पी बीइंग हियर। क्या कुछ कहना चाहोगे यंगस्टर्स को, कितना टिप देना चाहोगे फिटनेस को लेकर? यार आजकल के यंगस्टर तो सब जानते हैं यार, 15-20 साल के होते हैं तब से समझ में आ जाता है कि जिंदगी में क्या करना है, दे आर मोर सॉर्टेड देन वी वर। बट द ओनली टिप आई विल गिव यू इज बी द हार्डेस्ट वर्किंग मैन इन द रूम, दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनती होता है वो हमेशा सक्सेस पाता है। अभी आपने टैलेंटेड होने की बात की है, साथ में आपने ये बात करी कि उम्र भी ज़्यादा हो रही है, टैलेंटेड प्लस उम्र के साथ कुछ सा लुक कैसे मेंटेन किया? हाँ, वो कुछ लोग ब्लेस्ड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर चीज़ का देखभाल करते हैं, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि आफ्टर 35-40 योर BMR कम्स डाउन ड्रास्टिकली, सो यू हैव टू बी मोर केयरफुल। आई थिंक वो बहुत मेहनत करते हैं, पर मैंने पहले ही कहा था कि मेहनत सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिंदगी में एक अवार्ड अगर आपको किसी को देना हो तो बट कौन सा इंसान होगा? आई थिंक टाइगर श्रॉफ। थैंक यू। कैसे हो? ओए कैसे हो? अरे बच्चों, हाँ सर, पहले तो नेशनल फिल्म अवार्ड की शाम है, काफ़ी अच्छा लगा आपको देखकर, क्या कुछ कहना चाहोगे आज अवार्ड फंक्शन की शाम? मैं यही कहना चाहूँगा, आज पहली बार हम लोग एक अवार्ड फंक्शन के लिए आए हैं और इतनी जल्दी इतनी घाई में आए हैं, क्योंकि हम लोग ना हमारे आज सैटरडे है तो आज बच्चों की कोई बर्थडे पार्टी थी, सो द थीम वॉज रेड, सो वी ऑल ड्रेस्ड इन रेड एंड द किड्स आर स्टिल प्लेइंग आउट देयर। उनको छोड़ के फटाफट आ गए, छोड़ के हम लोग फटाफट आए, बिकॉज वी डिडंट वांट टू मिस दिस, बिकॉज अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा और मैं बार बार कहूँगा
कि अवार्ड मिलना अपने आप में, नॉमिनेट होना, अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, बिकॉज दे आइडेंटिफाई यू, दे यू नो दे सी यू वर्दी ऑफ of the goodness of whatever, as an entertainer or as a mom or as a digital creator, so I really appreciate. तो हम सारा काम छोड़ के ये इसको मैंने बोला ये जाने वाली थी पार्लर वाला, तो छोड़ पार्लर वाला छोड़ ले जो राम को कहती है अवार्ड में करेंगी. इट्स अ मंथ ऑफ मार्च क्लोज टू अप्रैल. Oh, you mean you're talking about financial year end? No. You're talking about GST and IT. अच्छा ओके ओके. मुझे लगा 31 मार्च की बात करो. GST. हाँ प्लीज बात मत करो. 31 मार्च की बहुत स्ट्रेस है यार. लॉकअप टू क्लोज आने वाला है. जी जी. पिछले लॉकअप में देखा था. इस बार लॉकअप टू में देखने वाले फिर से क्या कुछ है? कुछ प्लान? Anything that is that. भाई मुझे एक्चुअली पता नहीं कि लॉकअप अभी कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इसको लॉकअप में बंद करोगे क्या? सच में यार प्लीज. चुरा के लेके जा रहे हैं ऑर्डर स्टेज पे वापस आएंगे. हाय बेबी. यस, बिकॉज़ नवरात्रि चल रही है एंड टुडे इज द रेड डे. तो मम्मी ने मुझे मैसेज किया था कि माँ आज जो दिन है माँ का उस दिन को आज के दिन रेड पहनते हैं. सो व्हेन आई गेव माय कंफर्मेशन फॉर द अवार्ड फंक्शन आई वाज लाइक लेट्स वेयर अ रेड गाउन बिकॉज इट्स नवरात्रीज एंड आई दिस गाउन इज फ्रॉम आसो पार्लर. सॉरी आई शुड मेंशन द डिज़ाइनर. दे हैड डन माय आउटफिट फॉर द वेडिंग. यस, द मेन वेडिंग आउटफिट वॉज डन बाय आसो पार्लर. आसो पार्लर इज अ ब्रांड विच इज़ वेरी well known in Gujarat, Ahmedabad, and I'm wearing their outfit. Okay, what are you expecting from tonight? Well, I know I'm going to be getting an award, so that's not a big surprise, but I wanted to be associated with this award function because Ankita ji and her husband and me and Sangram ji know each other, and I have even hosted award function for her earlier where Shushmita ji was presenting awards. So I like the way she works. She's very professional and I'm very happy that they have grown over the period of years and they're doing this award. Let's do this. अपने आप में ही एक लेजेंडरी नाम है क्योंकि नेशनल फेम ये हर कलाकार का सपना होता है. ये हर कलाकार सोचता है कि उसे मिले और अगर नेशनल फेम अवार्ड मिलता है तो उसकी जर्नी बहुत पॉजिटिव शुरू हो जाती है. और मुझे इसके लिए नॉमिनेट किया गया, मुझे ये अवार्ड मिल रहा है, इस बात के लिए नेशनल फेम की तमाम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. ऐसे ही मुझे अवार्ड देते रहें और मेरा हौसला बढ़ाते रहे. हेरा फेरी 3 का अनाउंसमेंट हुआ है. हेरा फेरी में आपको देखा था. जी, हेरा फेरी 3 में आपको देखने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या कुछ कहना चाहोगे? डायरेक्टर में भी बदलाव आया है, स्क्रिप्ट पूरा बदला गया है, अगर आप कुछ कहना चाहोगे. देखिए, हेरा फेरी 3 जो है पहली फिल्म सर प्रियदर्शन ने बनाई थी. राइट. नो डाउट कोई मुकाम और कोई जोर नहीं था, पर उसके राइटर थे नीरज वोरा, डायलॉग राइटर. और फिल्म सेकंड टाइम जो बनी हेरा फेरी नीरज वोरा डायरेक्टर थे, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और सब तमाम टीम थी, मैं जॉनी भाई के साथ में था. थर्ड जो बन रही है अब उसमें ना नीरज वोरा है ना प्रियदर्शन है, तो मुझे थोड़ा सा इसका कम आकर्षण है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उसमें रहा तो कोशिश करूँगा अच्छा काम करने की, और नहीं तो प्रार्थना करूँगा कि ये फिल्म अच्छी बने, क्योंकि प्रियदर्शन और नीरज वोरा ये कॉम्बिनेशन जो है ये सदियों में एक बार बनता है, बार बार हेरा फेरी नहीं हो सकती. चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए वाला मामला जो कहीं इसमें ना हो जाए. लेकिन मेरी शुभकामनाएं, भगवान करे फिल्म हेरा फेरी जो पार्ट 3 बन रही है, क्योंकि हेरा फेरी फर्स्ट क्लास थी, सेकंड वाली सेकंड क्लास थी, थर्ड वाली कहीं और हमारी फिल्म आ रही है गाली गलौज. किसी ने मुझसे पूछा कि तो इस लड़की ने मुझे कम है, तेरे प्यार में मैं इस कगार पे आ गया, जिस दुकान का मालिक था उसी में पगार पे आ गया. ये सुंदर नारी ने मुझसे पूछा, एंकर ने, एंकर विद भयंकर, इन्होंने मुझे पूछा
कि 2023 में पब्लिक को क्या देंगे आप? मैंने कहा गाली गलौज। फिल्म है गाली गलौज, फिल्म का नाम गाली गलौज जरूर है लेकिन फिल्म में गाली गलौज नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही है, आप ज़रूर देखिएगा। आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन सो कॉल्ड जो आ गए ना, लड़का लड़कियां जो गंदी गंदी बातें करती है उनके खिलाफ है। मेरा ऐसा मानना है कि आग्रह है, निवेदन है कि दिल दिमाग आंखें आवाज़ नेचर नीयत और कंटेंट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो माई बाप है। ये क्राउड नहीं प्राउड है, ये भीड़ नहीं लीड है, ये जनता है यही जानता है, ये हस्ती है, इसी की वजह से हमारी हस्ती है। जनता हंसते हैं, पब्लिक हस्ती है, ये हंसते हैं तो हमारे घर बसते हैं, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। तो इनकी इज्जत करो, कला ऊपर वाले की देन है, इज्जत करो। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा करेंगे आप तो हर काम में कामयाबी मिलेगी। गाली गलौज करने वाला कलाकार कलंकार होता है, आतंकवादी होता है, चाहे वो OTT का कोई बहुत बड़ा कलाकार हो चाहे कहीं का भी हो। जो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। हाँ, क्या लगता है को बोला चलेगी? बिल्कुल चलेगी, बोला फिल्म बहुत चलेगी, बल्कि देश में नंबर वन चलेगी। मेरा कैसे? इतने मतलब ही हो गए हैं देशवासी कि उन्हें भोला देखने में मज़ा आएगा कि फिल्म में ही सही भोला दिखता कैसा है। इसलिए सबके सब देखने आएंगे और सीख के जाएंगे कि हमें भी भोला बनना चाहिए। लेकिन सर कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि आप भोला तम्बाकू तो नहीं बेच रहे। AD को बहुत सारी शुभकामनाएं, AD मतलब अजय देवगन को बहुत सारी शुभकामनाएं, और आने वाली फिल्मों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। गाली गलौज जरूर देखिएगा, शुभकामना दीजिए और एंजॉय करते हैं। और नेशनल फेम अवार्ड तो मिलेगा ही मिलेगा हम सबको जिनको जो जो यहाँ पर शामिल है, लेकिन नेशनल फेम अवार्ड से शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव है और बहुत ही मैं खुश हूँ। लव यू ऑल, आप सब जी हजारों साल यही रहते थे। 2000 सुनील पाल, गॉड ब्लेस। नेशनल फेम को मुबारकबाद देना चाहूँगा और बहुत शिद्दत नहीं ये सेंटर बनाने से। नेशनल फेम जो है सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिल से अपना अवार्ड फंक्शन करके मैं इनके पहले भी अटेंड किया है और बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। दूसरा मैं इसलिए भी चाह रहा था कि मैं अपनी फिल्म के बारे में बताना चाह रहा था। फिल्म बनाई है मैंने पंजाबी में जिसका नाम है निडर, और उसको मैंने उसको अपने बेटे राघव ऋषि को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। और लकीली हम तीनों जो बनाते रहते हैं इन्होंने रिक्वेस्ट की उसके लिए कि आप तीनों आइए, तो उसमें फिर समझ आएगी तीनों हम उस फिल्म अपनी फिल्म निडर में भी हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, इसी बहाने सबसे मुलाकात हो जाएगी। तो हम निडर होके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। फिल्म हमारी जो निडर है वो पंजाबी में रिलीज़ हो रही है 12 मई में। अपने मदीप चहल साहब ने इसे डायरेक्ट किया है और हीरोइन को भी हमने इंट्रोड्यूस किया है इस फिल्म में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो फिल्म सब तक पहुँचेगी, सबको पसंद आएगी। ओवर टू राजन साहब कुछ बोलिए। अमोल मोंगा जी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि नेशनल फिल्म अवार्ड रखा। लास्ट टाइम हम गोल्डन ग्लोरी अवार्ड में आए थे उनके, और आज विशेषकर राघव को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम स्पेशली आए यहाँ। 12 मई से राघव आ रहा है एज एन हीरो पंजाबी फिल्म से। आप सब लोगों की दुआओं का असर है कि राघव लॉन्च हो रहा है, बस ऐसे ही अपनी विश कीजिए कि राघव को। पहली बात तो मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि इतना अच्छा इवेंट हो रहा है। इससे पहले जो इवेंट हुआ उसमें मैं आ नहीं पाया, पर इसमें मुझे आने का मौका मिला है। और डैड और अंकल और बिंदु जी जो इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं, आखिरकार उनको उनके लिए एक अच्छा एक अप्रिसिएशन मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी फॉर दैट। हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है निडर 12 मई को इन सिनेमाज नियर एवरीवन, और मेरी उम्मीद है कि आप लोग सब वहाँ जाएंगे, देखेंगे, और जो प्यार आपने डैड को दिया है, अंकल को दिया है, बिंदु जी को दिया है, वही प्यार आप मुझे भी दें, उससे ज़्यादा मिलेगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग अस, ऑल द बेस्ट। सर सामने।
हमारी बात होगी तो कल लीडर का बोल दिया तुमने आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाइट ये पहली बार हमें जिंदगी में जो अवार्ड मिलने जा रहा है उसका राजन जो है उसका क्रेडिट स्कोर मिलना चाहिए। बिल्कुल, हम इनकी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे निडर, ये उसमें हीरो है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छी पंजाबी पिक्चर है, सुपर नए लगेगी। नहीं मैं तो यार पुलिस वालों को दिमाग लगे, ये रील में सेंसर कराओ इसको, काट देना भाई। तो भाई मैं उसमें एक बहुत बढ़िया कॉप हूँ। तो मेन चीज़ ये है कि रील क्या होती है, इसने हमें उस शूटिंग में समझाया था। हमने कहा ये क्या है, बोला आप लोग यार इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता, रील बनाओ। तो वो क्या होता है, बोला देखो ऐसे आपने ऐसे बोलना है इंडिया से। देखो ये तो बहुत ईजी है, हमने मुझे लगता है 5 मिनट में 3 रील बना दी। और वो हमने लॉकडाउन के ऊपर मास्क लगाने के ऊपर पहले मैसेज पे बनाई थी, तो 2-2 मिनट लग रहे थे रील बनाने। हमारी रील अनफिल्टर्ड अनएडिटेड और सिंपल है, आई थिंक वही लोगों को पसंद आया और आज बहुत प्यार मिलता है और उसका अवार्ड मिलेगा, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। तो थैंक यू भाई, थैंक यू, ऐसा भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। रिलीज डेट बता दो। हाँ, 30 तारीख को अंधेरी में हमारा शो है और वो सुपर शो है। इनके साथ मैंने ये रावण थे, मैं हनुमान था, बहुत मजा आया इनके साथ भी, पुनीत के साथ भी बहुत मजा आया। लेकिन उसने एक शो वाकई बना दिया, ऐसा शो जो इतिहास रच रहा है। एंड हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल, स्पेशली हनुमान जी का किरदार, तो आपके जो डैड थे वो सबके दिल में काफ़ी करीब रहते हैं, आपके दिल में भी काफ़ी करीब। हम सबके दिल में रहते हैं, लेकिन मतलब मैंने देखो ये ऐसे लगते हैं तगड़े तगड़े, लगता है कि ये है भैया हनुमान बन सकते हैं, लेकिन लोग अभी तक प्यार देते जा रहे हैं हमें, हनुमान जी का सेवा करने का मौका दे रहे हैं, बहुत मज़ा आता है। एंड जब तक लोगों को पसंद आएगा करते जाएंगे। आई फील वेरी प्राउड, आई फील वेरी प्राउड बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू ऑल आवर फैमिली। डैडी को भी मिला, मुझे भी मिला, तो आई थिंक इतना प्यार जो लोगों का मिलता है जब जाते हैं तो यू फील ब्लेस्ड। आज हमारी एक और पंजाबी पिक्चर का ट्रेलर आया, 6 बजे हाँ वो आ गया ट्रेलर, बहुत अच्छा। तो अभी उसका नाम है उड़ी का तेरिया, आज उसका ट्रेलर निकला है, आप लोग देखना। लेकिन निडर का ट्रेलर कब निकल रहा है भाई साहब, ये बताओ। मेरे ख्याल एनी टाइम विद इन वीक और सो, वीक और सो, तो आप लोग प्लीज़ देखिए। 12 मई को रिलीज हो रही है, उसका ट्रेलर आएगा वो देखिए, और फिलहाल तो हमें अवार्ड दीजिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।